अपने दुश्मन अपने शत्रुओं से परेशान हर व्यक्ति माता काली और बाबा काल भैरवनाथ जी के इस मंत्र के जाप की संपूर्ण विधि को अपनाकर आप खुद ही पूर्ण रूप से अपने शत्रुओं का आप विनाश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तों को जय माता की। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अपने दुश्मन अपने शत्रुओं से परेशान है, अगर आपका जो दुश्मन है आपका जो शत्रु है वह बलशाली है और आप कमजोर हैं, और बार बार वह इल्म के द्वारा या किसी और विधि के द्वारा आपको परेशान कर रहा है, आपके घर में गंदे पहरे बुरी शक्तियां लगा रहा है, आपके ऊपर किसी बुरी शक्ति का बंधन लगा रहा है, या फिर आपको कोर्ट कचहरी के केसों में घसीट रहा है, तब आप इस विधि को अपनाएं, इस मंत्र का जाप करें। तो जब आप इस मंत्र का जाप आरंभ करेंगे तो जितने भी आपके दुश्मन होंगे आपके जीवन में, आपके जो शत्रु होंगे, तो जो भी उनकी कोई बुरी शक्ति होगी उनका पूर्ण रूप से बंधन हो जाएगा, और उनकी जो बुरी शक्ति होगी उनके ऊपर जाकर ही वह बुरी शक्तियां लग जाएंगी। जो आपका दुश्मन होगा, जो आपका शत्रु होगा, वह पूर्ण रूप से बंधन में आ जाएगा, आपकी शरण में आ जाएगा, और आपके दुश्मनों का आपके शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश होगा। विनाश कौन करेगा? आदिशक्ति माता काली और बाबा काल भैरवनाथ जी के इस मंत्र की शक्ति और इसकी संपूर्ण विधि। और यह जो विधि है आप अपने घर में ही आप अपना सकते हैं, और इसके लिए जिस सामग्री की आपको जरूरत पड़ेगी आपके सर्व शत्रुओं का विनाश करने के लिए, केवल दो बूंदी वाले लड्डू और दो साबुत लौंग, और इसके साथ एक आपको इसके लिए चाहिए साबुत नींबू, दो लड्डू और दो ही लौंग और एक साबुत नींबू चाहिए, और कुछ आपने अपने घर में अग्नि चेतन करनी है, गोबर के कंडे गोबर के उपले को जलाने के बाद आपने अग्नि चेतन करनी है अपने सर्व शत्रुओं का विनाश करने के लिए, और उसके बाद इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। तो जितने भी आपके दुश्मन हैं उनको अपनी आंखों में बसाने के बाद, उनका नाम लेने के बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तब आप रुद्राक्ष की माला से जाप करें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। वैसे पहले भी यह जो मंत्र है मैं चैनल के ऊपर डाल चुका हूं कि इसकी साधना सिद्धि आपने कैसे करनी है, लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो तुरंत आपके दुश्मनों के ऊपर आदि शक्ति माता काली और बाबा काल भैरवनाथ जी का पहरा लग जाएगा, और आपके सर्व शत्रुओं का सर्व दुश्मनों का पूर्ण रूप से विनाश होगा। अगर इस मंत्र का जाप आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ करेंगे, तो इस मंत्र का जो जाप आपने करना है किसी भी शनिवार वाले दिन रात्रि के समय अंधेरी रात में एकांत स्थान के ऊपर अकेले आप वहां पर होएं जब इस मंत्र का आप जाप करें, तो पहले गोबर के कंडे गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद अपने सामने रख लें, और उसके ऊपर आप सरसों के तेल की उहूतियां डालते रहें और तिली के द्वारा अग्नि चेतन कर दें। अग्नि चेतन रहनी चाहिए और 108 बार इस मंत्र का आप रेगुलर आप जाप
करते रहें कि काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूटती करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरघट में वास, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति देखूं आद शक्ति माता काली बाबा काल भैरवनाथ आपके शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप 108 बार आपने करना है और 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने दो लड्डुओं का थोड़ा थोड़ा सा भोग लगाना है। 3 बार फिर से इस मंत्र का जाप करें, 2 लड्डुओं का थोड़ा सा भोग लेकर के काली रक्त को पी गई भैरव खाया मांस, कड़कड़ पसली टूट दी करे वैरी का नाश, मारे वैरी को घेर कर करे मरकट का करे मरकट में वास, इसी मंत्र का द्वारा से फिर से जाप करने के बाद 3 बार, उसके बाद आपने ये आहुति अग्नि में डाल देनी है। उसके बाद 2 लौंगों को आपने उठाना है, 2 लौंगों को उठाने के बाद 3 बार फिर से इस मंत्र का जाप करें, फिर से उस अग्नि में आहुति डाल देनी है। फिर आपने लास्ट में उस नींबू को उठाना है, नींबू को उठाने के बाद आपने उसमें एक कट लगा लेना है, क्रॉस आप उसमें एक कट लगा लें किसी भी कटार की मदद से। उसके बाद उस नींबू के ऊपर 3 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद फिर आपने अपने सर्व शत्रुओं का दुश्मनों का ध्यान धरना है और उस अग्नि में इसको जला देना है। तो इससे आदि शक्ति माता काली और बाबा भैरवनाथ जी की जो शक्ति है आपकी रक्षा करेगी और आपके सर्व शत्रुओं का विनाश करेगी। तो अग्नि में जलाने के बाद जब वह अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाए तो उसकी जो राख होगी वहाँ से आपने उसको उठा लेना है और उठा लेने के बाद उसको बाद में आप उससे अगले दिन रविवार वाले दिन उसको जल प्रवाहित पानी में उसको आप बहा दें। तो इस मंत्र की शक्ति और इस विधि के द्वारा आप अपने सर्व शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। तो जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो तुरंत आपके दुश्मन आपके शत्रुओं के ऊपर आदि शक्ति माता काली और बाबा काल भैरवनाथ जी का पहरा लग जाएगा। तो आप इस मंत्र का जाप कर देखें तो माता काली और बाबा काल भैरवनाथ जी की जो शक्तियां हैं वह आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगी और दुश्मनों का आपके शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश होगा और इस विधि को आप खुद ही अपना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली जय बाबा भैरवनाथ।